हाँ जी, किद्दा करिए फिर शुरुआत। आज हम आए, मैं आया हूँ फैमिली ट्रिप पे मेरे घर वालों के साथ घूमने के लिए, और हम आए हैं सवाई माधोपुर। और ये होता है कि अगर आप घूमने जा रहे हो तो सबसे ज़्यादा भगवान से यही दुआ करते हो कि मौसम अच्छा हो, और आज भगवान ने पूरा पूरा हमारा साथ दिया, मौसम कर दिया बहुत शानदार। अब हम आपको धीरे धीरे ब्लॉग पूरा एंड तक देखना, और पूरा एंड तक देखते रहोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी देखने को मिलेंगी, और पूरा सवाई माधोपुर घुमाएंगे हम आपको। रणथंभौर अभी कन्फर्म है नहीं कि हम नेशनल पार्क जाएँ या ना जाएँ, तो टाइगर रिजर्व है। बाकी हम जो भी यहाँ पे टेंपल्स वगैरह और जो भी यहाँ पे घूमने का, वहाँ पे हम सारी जगह जाएंगे और आपको घुमाएंगे। तो प्लीज़ देखते रहें पूरा एंड तक, और जिसने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ भी जाता हूँ मैं उसकी स्टोरी डाल देता हूँ, ब्लॉग आता है थोड़ा लेट, तो इसलिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, RAJATKAKKR इंस्टाग्राम पे सर्च करें, रजत कक्कर नाम में ही गॉब होना चाहिए भाई के। हे गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में, ऐसे देखते रहें, सी यू, टाटा। हाँ जी, हम आए रणथंभौर फोर्ट, और गणेश जी का टेंपल है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, और आज मौसम अच्छा है तो मज़ा भी आ रहा है, लेकिन गर्मी है तो पसीना तो आएगा ही आएगा। आप देख सकते हैं क्या हालत हो रखी है, और मेरे पीछे देखो ये स्टेयर्स हैं, और ये जो अभी मैंने आपको नज़ारे दिखाए, ये जो नज़ारे हैं यहाँ के बहुत प्यारे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको वापस से इन पेड़ों के बीच से। ये देखिए यहाँ से नज़ारे, और वो पानी पानी बिल्कुल आप देख सकते होंगे अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो, बहुत सब ब्यूटीफुल सा है। और ये फोर्ट है बहुत पुराना काफ़ी। गाइस ये देखो ये कितना पुराना बन रखा है महल, मतलब बिल्कुल खंडर टाइप में हो रखा है। और ये इधर एक रास्ता जा रहा है, और ये उधर रास्ता जा रहा है, हमारे को जाना है इधर, तो हम इधर जाएंगे और देखेंगे। इधर गणेश जी का मंदिर जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, गणेश मंदिर, हमारे को मंदिर में जाना है पहले, तो मंदिर जाएँगे और फिर आगे देखेंगे। गणेश जी का मंदिर है, दर्शन करके आएंगे, फिर कहीं और जगह जाएंगे, वो आपको दिखाएंगे, और आप हमारे को कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको। गाइस यह सीनरी देखो कितनी प्यारी है, ऐसा लगा कि चारों तरफ से घेर रखा उसको। और ये मेरी माता श्री हैं, माता श्री नमस्ते करो, और आप सब भी नमस्ते कर देना कमेंट के अंदर। ये देखो फुल पैसा वसूल है, मतलब पैसा तो क्या भगवान के मंदिर में है क्या वसूल है, कितने नज़ारे हैं ना। और सबसे बड़ी भगवान ने जो गणेश जी ने रखी है वो है मौसम अच्छा रख दिया, धूप नहीं है जिससे हमारे को मज़ा आ रहा है चलने में, पसीने आ रहे हैं, वो गर्मी ह्यूमिडिटी टाइप में हो गई है बारिश के कारण। लेकिन देखो ऐसे बिल्कुल खंडो टाइप में बहुत पुराना बना हुआ होता है ना, व्यूज़ फ़ोटोज़ वगैरह बहुत प्यारी होंगे, और आप देख रहे होंगे फ़ोटोज़ इंस्टाग्राम पर जाके देखें, नहीं अगर नहीं दिख रही होंगी तो आपको इंस्टाग्राम पर डलेंगी फ़ोटोज़, और ऐसी आप आगे देखते रहें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती रहेंगी। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ यहाँ कुछ हर जगह पे हर 100 मीटर 200 मीटर पे पानी पिलाने वाले बैठे हुए हैं, जैसे दोपहर चढ़ते हैं गर्मी लगती है तो यहाँ पानी पिए आराम से, ठंडक मिलती है। और ये देखो एक छोटा सा मंदिर है भगवान जी का, ये भी भगवान जी का मंदिर, जय भगवान जी की, और मंकी मैन बैठे हुए हैं, मतलब व्यू देखो इतना प्यारा है, आपने कभी भानगढ़ देखा होगा ना, सेम वो वाली फीलिंग है। ऐसे खंडर टाइप में बने हुए वहाँ, ऐसे टूटे फूटे से, ये भी ऐसे ही टूटा फूटा बना हुआ है यहाँ पूरा, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। और ये भी काफ़ी हाइट पे है, बंदर बहुत सारे हैं यहाँ, काले मुँह के बंदर। तो ये निंजा टेक्निक देख रहे हो उनकी खाने की, ये कागज़ में से खुद से खा लेते निकाल के, इतने समझदार होते हैं ये। हम आ चुके हैं मंदिर गणेश जी के, हम आपको दिखाते हैं, अब दर्शन करवाते हैं गणेश जी के आगे से, और ये हमारे करीबी अभी सबसे मिलवाएंगे आपको, परेशान कर देगा आपको, सर ले लिया अंदर ले लेना मंदिर में कोई दिक्कत नहीं है, और पूरा अंदर दर्शन करवाएंगे गणेश जी के आपको, मिलते हैं थोड़ी देर में अंदर जाके मंदिर के। शाम आंटी जी बंदरों को दाना डालते हुए चने, सर जी तो नीचे वाला ही खा रही, आंटी दिल से खिलाओ, अरे बेटा इतने के भाव क्या कर रहा है, चने का भाव मत कर,
सर जी चने ले लो सर, सर चने ताज़ा चने, ताज़ा चने और लो सर आराम से। हम भी जा रहे हैं सर जी को चने खिलाने के लिए, देखते हैं मेरे हाथ से चने खाते हैं। ये है ना देख, ये है ना पीले वाले ले रहा, काले काले छोड़ रहा। भाभी जी इधर देखो, सर चने खाइए सर। और ये हैं अपने बापू श्री, बंदरों को भी चने डालते हुए देख इतने स्टाइल से खा रहे हैं बंदर भैया हमारे। सर सब बढ़िया, चने खट्टे मीठे हैं, कभी से ले लो सरकार, ऐसे क्या कर रहे हो आप? दोस्त नहीं हो अपने चाचा? ओ चाचा, चाचा चने खाओ चने, चाचा अरे ले ले मेरे भाई, बदमाशी क्या दिखा रहा है तू? हाँ ये देखो, यहाँ लोग बहुत मन्नत मांग के जाते हैं अपना, मतलब पत्थरों से घर बनाना, घर बना कर जाते हैं जैसे उनका घर जल्दी जल्दी बने। और ऐसे जो हमारे साथ जो आए हैं आंटीज, वो भी अपना अपना घर बना बना कर जा रहे हैं, यहाँ मन्नत मांग कर जा रहे हैं। और ये हमारी पूरी फैमिली है, हम सारे आए हैं आज सवाई माधोपुर घूमने के लिए। सब मकान बनाते हैं, दुकान को नहीं बनाते। ये देखो, ये देखियो मेरे पिताजी को, घर है ऑलरेडी, बोले और जमीनें बनानी है मार्को, इसलिए और बनाए जा रहे हैं। सब कुछ चाहिए मार्को। हाँ देखो आंटी जी घर बनाइए, मेरा भी मैंने बनाते की खींची थी। हाँ ये देखो आंटी जी हमारे ऐसे घर बना रहे हो फ्लोर वाइज आप तो। बस बस चार मंजिल बना दो आंटी, आजकल चार मंजिल ले लाओ हुए, जेडी वाले आ जाएंगे नहीं तो। एक घर बना, चलो आंटी जी ने घर बना दिया तेरे घर के सामने। हाँ तो गाइस हम अब गणेश जी मंदिर के दर्शन तो कर रहे हैं, बट मैं आप जो जब भी मंदिर जाता हूँ ना तो एक मैसेज ज़रूर देता हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आप 150-200 रुपये बाहर है ना, मतलब फूलों की मालाओं के प्रसाद तो चलो चलो ठीक है चलता है, लेकिन जो अगरबत्ती वगैरह ये है कि मंदिर में आप लेकर जाओगे ना ये साइड में रख के वापस रख देते हैं, कुछ यूज़ में नहीं लेते हैं, तो ये है कि अपना पैसा ना वेस्ट जाता है। और अगर आप मेरी बात से इससे सहमत हो तो कमेंट में करके ज़रूर बताएं कि मेरी बात सही है गलत है, या फिर आपका कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू आप ज़रूर बताएं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यू है, इससे बड़ी जैसे आप बंदर थे बाहर, आप उनको कुछ खिला दीजिए, कुत्ते होते हैं आप उनको कुछ खिला दीजिए, अगर आपको पैसे ही खर्च करने, अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसा ज़्यादा है तो ना मंदिरों में आप ये फूल मालाएं पत्ते चढ़ा चढ़ा के आप भगवान को ऐसे खुश होने वाले नहीं, आपसे भगवान को आप दिल से माने, ये प्रसाद और इन सब चढ़ा के कुछ भी नहीं होने वाला है, बस यही मैसेज है मेरे आपसे। हाँ तो दोस्तों अब हम आए हैं शिवाड़ मंदिर में, हम आप करवाते हैं बाबा जी के दर्शन, देखिए। और मतलब ये कि यहाँ पे जो है ना शिवलिंग का उद्घाटन नहीं किया हुआ है, मतलब ये खुद से प्रकट हुआ है, वो बहुत यूनिक है और इंडिया में बहुत रेयर है, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये जो शिवलिंग है ऑटोमेटिकली प्रकट हुआ था, इसकी स्थापना नहीं हुई थी, मतलब ऐसे इसको खुद से नहीं लगाया गया था। हेलो, हाँ तो दोस्तों मैं आया हूँ बहुत शानदार जगह, और आप मेरे पीछे भी नज़ारे देख सकते हैं कितना शानदार है, और मेरे जो सामने है ना जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी, वो तो इतना प्यारा है ना आपने देखी भी नहीं होगी, मैं जगह दिखाता हूँ आपको, उस जगह का नाम है शिवाड़। आप व्यू देखिए और मतलब ब्यूटीफुल है ना इतना, ये देखिए दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए मेरे सामने है ना शानदार। बस अब हम यहाँ पर चढ़ेंगे, और रहा जैसे अभी टाइम हो रही है 5:30-6 बज रही हैं, अंधेरा होने वाला थोड़ी देर, रात को लाइटिंग के साथ तो बहुत ही प्यारा लगता है। और अब बिल्कुल ऊपर तक जाएंगे जहाँ ओम लिखा हुआ है, फोटोज आप इंस्टाग्राम पे देखना हमारी, मतलब इतना शानदार बनेगा। और यहाँ देखो व्यू, देखो यहाँ का इतना ब्यूटीफुल व्यू है ना, व्यू देखिए यहाँ का बहुत ही शानदार। अब तो ठीक है गाइस, हम मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, हम जाते हैं ऊपर और बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाएंगे और आपको और आगे बताएंगे कि और क्या क्या है यहाँ पे देखने के लिए। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहें, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, और हाँ घंटा दबाना ना भूलें।
हम जा रहे हैं ऊपर और जाते रहेंगे। देखिए हमारे पीछे, हम यहाँ पूरा ऊपर तक जाएंगे जैसे आपको बताया था, ऊपर चढ़ेंगे, मजे आ रहे हैं बिल्कुल। हाँ जी, अगर आपको लग रहा हो कि ये वाइट वाइट बर्फ है तो ये बर्फ नहीं है, ये अपने उससे बना रखी है, बिल्कुल मतलब बिल्ला पुट्टी बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, उनको याद नहीं है, उससे बना रखी है। लेकिन जो यहाँ का व्यू है तो बहुत ही प्यारा है, बहुत शानदार। मतलब ये देखो, मैं बिल्कुल ऊपर टॉप पे पहुँचने वाला हूँ और ये कैमरा भी गिरता हुआ, मेरे हाथ से फिसलता हुआ, अब इसका क्या ट्राइपॉड ढीला हो चुका है। और ये पीछे व्यू देखो मेरे, मज़ा ही आ गया। सामने बिल्कुल सूरज मेरे मेरे फेस पे धूप मारता हुआ और गर्मी में हाल बेहाल पसीने होते हुए मेरे, थक गए यार बहुत ज़्यादा। इतने ऊपर चल कर आए हम, वो भी सिर्फ आपके लिए, ब्लॉग बनाने के लिए, ऐसे ही बनाते रहेंगे हम आपके लिए। आप बस लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। बम बम बोले मस्ती में डोले, हम जा रहे हैं नीचे, थक गए रे बहुत रे। जिंदगी में मौज लो और रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, समझ में आई ना मेरी बात? ये तुम्हारे भाई का डायलॉग हो गया, अब कमेंट में भर देना, अब कमेंट आ देना। देखो ब्लॉग अच्छा लगता है या ख़राब लगता है, लेकिन बताया जरूर करो कि जिससे मैं आगे और अच्छा कर सकूं, मेरे से जितना हो पाता है, कि जितने मेरे में स्किल्स हैं मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता हूँ और आपको मेहनत दिखती भी होगी, भले आपको पसंद आता हो लेकिन मैं आपकी पसंद के लिए करता हूँ। तो आप कमेंट करके जब तक नहीं बताएंगे कि ब्लॉग कैसा बना है, और जो भी मेरे दोस्त यार देखते हैं तो प्लीज़ वो तो कमेंट कर ही दिया करें और लाइक भी किया करें, ठीक है गाइस? थैंक यू सो मच। अगर हम आगे कहीं जाते हैं, अभी कुछ प्लान नहीं है ऐसा, अगर जाएंगे तो हम आगे और आपको दिखाएंगे कि हमने क्या क्या कहाँ कहाँ गए और क्या मज़े किए। ठीक है गाइस, मिलते हैं, सी यू, टाटा।